14 पंत मार्ग बीजेपी ऑफिस पर मकर संक्रांति के पौर पर मकर संक्रांति का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग शुक्ला बाहरी दिल्ली जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मीडिया ने बजरंग शुक्ला से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। सर क्या नाम आपका? बजरंग शुक्ला। बजरंग शुक्ला जी, मैं जानना चाहूँगा बीजेपी में क्या पद आपको मिला हुआ है, और आज हम देख रहे जो पूर्वांचल है कौशल मिश्रा जी, आज जो मकर संक्रांति पे बीजेपी ऑफिस में प्रोग्राम रखा गया उस पर आप भी आए, क्या संदेश देना चाहिए? मैं बजरंग शुक्ला और जिला अध्यक्ष बाहरी दिल्ली जिला बीजेपी, और जो ये पूर्वांचल का कार्यक्रम, अभी मकर संक्रांति का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, हमारे जो पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं, एसएसबी अध्यक्ष हैं कौशल मिश्रा जी, और हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी, संयोग से दोनों उत्तर प्रदेश के हैं और पूर्वांचल के हैं। वैसे तो मकर संक्रांति का त्यौहार किसी न किसी रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ी पौराणिक भी है कि आज के बाद से सूर्य जो हमारे दक्षिणायन थे वो उत्तरायण हो रहे हैं, सर्दी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, यानी जो हम शिथिलता हमारे अंदर आई थी जड़ चेतन सब में, वो आज के बाद से सूर्य की ऊष्मा से वो और ज़्यादा ऊर्जावान होंगे और धीरे धीरे करके जो हमारे कार्य और संपन्न होंगे, और एक तरह से सनातन संस्कृति में संक्रांति का परिवर्तन होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए, सनातन संस्कृति के लिए, कि आज से हमारे फिर जो शादी ब्याह भी रुके हुए थे वो धीरे धीरे करके शुरू हो जाने लग जाएंगे। चुनाव भी आ रहा है, उसका भी कुछ रोशनी जाएगी आगे? नहीं, एमसीडी चुनाव की चिंता तो हम करते नहीं हैं, हम तो किसी चुनाव की चिंता नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि वो हर समय क्षेत्र में लोगों के लिए काम करती है, तो वो किसी चुनाव की परवाह नहीं करती। हमारे लिए एमसीडी चुनाव भी एक सामान्य सी चीज़ है, हम जब भी चुनाव होगा हम निश्चित रूप से फिर से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।